गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसका एम है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर लामिना यूजिंग अ स्क्रू गॉज। एक इरेगुलर लामिना का वॉल्यूम मेजर करना है हमें स्क्रू गॉज की सहायता से, जिसके लिए हमें अपरेटस चाहिए, एक इरेगुलर लामिना, स्क्रू गॉज, स्क्वायर सेंटीमीटर ग्राफ पेपर, शार्पली पॉइंटेड पेंसिल एंड अ मीटर स्केल। ये हमारे पास इरेगुलर लामिना, स्क्रू गॉज, पेंसिल, स्केल एंड ग्राफ पेपर। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक इरेगुलर लामिना क्या होता है। इरेगुलर लामिना इज अ बॉडी हैविंग नो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप एंड हूज थिकनेस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक इरेगुलर लामिना एक ऐसी बॉडी है जिसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है और उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ के कंपेरिजन में। इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तब इसमें हम फाइंड आउट इट्स सरफेस एरिया बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। वी कैन पुट द इरेगुलर लामिना ऑन द ग्राफ पेपर एंड मेड अ शेप। मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर इस लामिना की शेप ड्रॉ कर ली है, आप ये देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्लास 6 में करते थे कि नंबर ऑफ स्क्वायर काउंटेड करते थे, इन द सेम वे वी कैन काउंटेड हेयर ऑल्सो स्क्वायर। वी कैन काउंट कम्प्लीट स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने क्लास 6 में किया हुआ है कि हम बड़े वाले स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं और छोटे वाले स्क्वायर्स को छोड़ देते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 55 यूनिट स्क्वायर। वी गेट द सरफेस एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द गिवन स्क्रू गॉज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट और पिच क्या होता है स्क्रू गॉज के लिए। लीस्ट काउंट आपको पता है कि छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम मेजर कर सकते हैं इस स्क्रू गॉज से। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द गिवन सर्कुलर स्केल। ये हमारा स्क्रू गॉज है जिसमें आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दो तरीके के स्केल हैं। एक तो ये मेन स्केल जिसमें 0, 5, 10 और दूसरा ये सर्कुलर स्केल, आप ये देख सकते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल में कितने रोटेशन होते, आप ये देख सकते हैं मैं इसको सर्कुलरली रोटेट कर रही हूँ। पूरा एक रोटेशन मैंने इसको दिया, 0 से 0 आ गया, तो इसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1। सो आई कैन राइट 1 रोटेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिलीमीटर। सो हमारे पास पिच क्या आ गई, 1/1 मिलीमीटर। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल में देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 20। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, p/n, पिच हमारे पास आया था 1 और ये हो गया 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/20। हमारे पास पिच आ गया कितना, 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट, जीरो एरर। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम इस स्क्रू गॉज को देखेंगे तो ये भी कहाँ से, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स हमारे एपरेटस में कोई एरर नहीं है। तो हम 0 एरर में भी क्या लिखेंगे, 0। हम इसको 3 बार कर सकते हैं, खोल के 3 बार बंद करेंगे, हमारे पास एरर कितना आ जाएगा, 0 एरर, मीन वैल्यू ऑफ 0 एरर।
वो भी ज़ीरो हो गया, मीन ज़ीरो करेक्शन वो भी ज़ीरो हो गया। हम ये करेक्शन कब यूज़ करते हैं, मान लो हमारा ऑपरेटर ज़ीरो से स्टार्ट ना हो के किसी एक बार क्या है, ये ज़ीरो इस मेन स्केल के ज़ीरो के नीचे आ रहा है, तो हमारा ज़ीरो एरर क्या होगा, हमें मेन जो रीडिंग्स आएगी उसमें ये वैल्यूज सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और अगर यही ज़ीरो हमारा अबव ज़ीरो जाता है तो हमें वो वैल्यूज ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम अब टेबल पे आते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कम से कम भी 5 रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग ऑफ थिकनेस एट 3 पॉइंट्स अलॉन्ग, सबसे पहले पिच स्केल। अब हमें क्या करना है, स्क्रू गॉज में शीट को फिक्स करना है। हमने ये स्क्रू गॉज में शीट को फिक्स कर दिया है और अब हम रीडिंग देखेंगे अपनी। तो हमारे पास दो स्केल्स हैं, एक तो मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। तो हम मेन स्केल पे देख सकते हैं कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, ज़ीरो। एंड सर्कुलर स्केल पे आप देख सकते हो कोइंसाइडिंग रीडिंग कितनी है, 45। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी हो गई ज़ीरो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन यानी कि सर्कुलर स्केल पे कितनी हो गई, 45। तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, एम प्लस में एन इंटू एल सी। एम हमारे पास कितना है, ज़ीरो, प्लस में एन कितना आया है हमारे पास, 45, इंटू में लीस्ट काउंट 0.05। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45.05, राइट, नहीं सॉरी, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस वी हैव टू फिक्स द शीट इन दिस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे हमारे मेन स्केल क्या है, ज़ीरो शो हो रहा है और मेन स्केल से कोइंसाइड करता हुआ सर्कुलर स्केल हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है, 45। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, ज़ीरो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे हमारी क्या रीडिंग आ रही है, 45। तो हमारे पास थिकनेस क्या आएगी, मेन स्केल प्लस में एन, एन क्या है सर्कुलर स्केल इंटू में लीस्ट काउंट, यानी कि ज़ीरो प्लस 45 इंटू लीस्ट काउंट हमारे पास कितना था, 0.01। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2.25। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे। हम क्या करेंगे, इस शेप को अभी हमने यहाँ से लिया था, अब हम इसका एंगल चेंज कर देंगे। ये हमने एंगल चेंज कर दिया और इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास रीडिंग आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, अब हमारे पास आ रही है 40। तो सेकंड रीडिंग हमारे क्या हो गई, 40, 0 प्लस 40 इंटू 0.01। ठीक है, इस तरीके से हमने 6 रीडिंग्स ले ली हैं। उसके बाद हम करेंगे इसका मीन, फिर मीन ऑब्जर्व थिकनेस, देन मीन करेक्टेड थिकनेस। करेक्टेड हम कैसे करते हैं, उसमें इफ़ हमारे पास ज़ीरो एरर होता है तो हम ज़ीरो एरर को ऐड या सबट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ द मीन करेक्टेड थिकनेस ऑफ द गिवन शीट, जो भी यहाँ से थिकनेस आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी थिकनेस आई है वॉल्यूम हमारे पास था, वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया इंटू में थिकनेस। तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना था, 55 इंटू में थिकनेस, जो भी आएगा वो इस शीट का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। नंबर 1, चेक द वर्किंग ऑफ द स्क्रू गॉज टू इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ द स्क्रू। Also check the functioning of the ratchet in the case the movement of the screw is not free, it is advisable to get the screw gauge changed. कि हमें screw gauge को देखना है कि वो freely work करे। से आप देख सकते हो मैं इसको ज़्यादा दबा दूँ तो इसमें से आवाज़ आती है, यहाँ से हम इसको यहाँ से move करते हैं, कभी भी यहाँ से नहीं move करते, यहाँ से करते हैं। तो ज़ीरो एरर शुड ऑलवेज बी टेकन इन टू अकाउंट, हमें ज़ीरो एरर इनिशियली ही देख लेना चाहिए। द स्क्रू गॉज इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर, दिस फैक्ट शुड बी रिकॉर्डेड।
अगर इसमें जीरो एरर है तो हमें उसको ध्यान में रखना है. द स्क्रू शुड ऑलवेज बी रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन टू अवॉइड बैकलैश एरर. स्क्रू को हम एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. नंबर 5, मेक द फाइनल एडजस्टमेंट बाय रोटेटिंग द रैचेट एंड नॉट द कैप. कि जो हमें फाइनल एडजस्टमेंट करनी है वो रैचेट को घुमाना है, रोटेट करना है, ना कि कैप को. स्टॉप टर्निंग द रैचेट द मोमेंट इट स्टार्ट स्लिपिंग. रैचेट को ज़्यादा घुमाने से क्या होता है, वो स्लिप करना स्टार्ट कर देता है. टेकिंग द रीडिंग ऑफ द थिकनेस ऑफ द शीट इज एट डिफरेंट प्लेसेस अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द ब्रेथ ऑफ द गिवन शीट. जो भी हम थिकनेस की रीडिंग्स लेंगे वो लेंथ ऑफ द शीट एंड ब्रेथ ऑफ द शीट के अलोंग अलग अलग प्लेसेस पे लेंगे, एक ही जगह पे बार बार नहीं लेंगे. एरर ड्यू टू पैरेलेक्स शुड बी अवॉइडेड. पैरेलेक्स एरर को अवॉइड करना चाहिए. द शीट सोर्सेस ऑफ एरर. सोर्सेस ऑफ एरर मीन्स सोर्सेस ऑफ एरर आर द एरर्स अराइजेस ड्यू टू सम मिस्टेक्स. ठीक है, तो हमारा ये इरेगुलर लामिना का एक्सपेरिमेंट यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू.